हाई गाइज, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल, होप यू डूइंग गुड गाइज। सो आज का वीडियो होने वाला है वेस्टर्न वेयर टॉप्स। सो मैं आज दिखाऊंगी लॉन्ग टॉप्स, ट्यूनिक टॉप्स, शॉर्ट टॉप नहीं होगा, लॉन्ग टॉप हॉल है ये। समटाइम्स होता है कि आप सूट पहनना नहीं चाहते हो, आप शॉर्ट टॉप पहनना नहीं चाहते हो, तो बेस्ट ऑप्शन होते हैं ट्यूनिक्स वेयर करो, क्योंकि ये स्टाइलिश भी होते हैं प्लस वेस्टर्न वेयर लुक भी आपको देती है। और इनमें से एक दो टॉप मैंने पार्टी वेयर भी रखा है कि लाइक अगर आप पार्टी में कुछ वेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी है, सिंपल ओकेजन के लिए भी है, सिंपली डेली वेयर के लिए भी है। और साथ ही साथ मैं आपको ट्राउजर्स भी दिखाऊंगी। समटाइम्स क्या होता है कि आप टॉप्स लेते हो बट समझ में नहीं आता है कि उसको स्टाइल कैसे करें, उस पर मैचिंग क्या करें, जीन्स पहने, लेगिंग्स पहने या फिर ट्राउजर पहने। सो इसे दूर करते हुए मैं साथ ही मैं आपको ट्राउजर्स भी दिखाऊंगी कि आप इसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्यूनिक प्लस ट्राउजर हॉल। जितने भी प्रोडक्ट है सबके लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिलेगा। आप माई हॉल स्टोर पर क्लिक कीजिए, आपको सारे कुर्ती ट्राउजर नजर आएंगे, उस पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट मिंत्रा पे चले जाओगे। अगर ये हॉल वीडियो आपको हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आए और मेरे हॉल्स वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक कर देना एंड कमेंट पर अपना फीडबैक देना कि आपको ये हॉल अच्छी लगी नहीं लगी। एंड नाउ वी डोंट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फर्स्ट ट्यूनिक इज दिस वेरी ब्यूटीफुल ग्रीन पिंक कलर की ट्यूनिक है गाइस, जिसपे आपको बहुत ही यूनिक डिज़ाइन मिल रहा है, सारी साइड पे यू नो बांधने के लिए मिल रही है, जो बहुत ही डिफरेंट बना रही है। फ्रंट से पूरी एंड तक आपको बटन्स मिल रहे हैं, हाई लो हेम है, पिंक कलर के ऐसे फ्लावर बने हुए हैं, पूरी स्क्वायर स्क्वायर डिज़ाइन है ग्रीन पे, कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया एंड लुक बहुत ही अच्छी लग रही है। मटेरियल कॉटन है एंड इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र लिया है जिसका कलर पिच एंड क्रीम कलर है, जो बहुत अच्छे से मैचिंग हो रही है इस पे। इसकी फिटिंग दोनों की साइज मीडियम है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है, मटेरियल दोनों की कॉटन है, दोनों को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक ट्यूनिक है ये, बहुत कंफर्टेबल भी है और इस तरीके से बिना बेल्ट बांधे ऐसी लगती है, लूज काइंड ऑफ शर्ट डिज़ाइन, बट अगर आप ऐसे बेल्ट बांध देते हो तो थोड़ी डिफरेंट लगती है और बहुत अच्छी लगती है। सो जिनकी भी पेयरशिप बॉडी है यू नो हिप कवर करके पहनना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बढ़िया है, कंफर्टेबल है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, सो उसका भी टेंशन नहीं है, डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। कॉलेज के लिए ये कितना ज़्यादा क्लासी लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा और डेली आप यू नो मॉल वगैरह भी जा सकते हो, कहीं पे भी इजीली कैरी कर सकते हो। हील्स जो मैंने पहने हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और जो ज्वेलरी मैंने पहनी है वो शीन से इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, आप कॉमेंट में बताना कैसी लगे, मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी। माई नेक्स्ट ट्यूनिक इज दिस वेरी ब्यूटिफुल कलर कॉम्बिनेशन की ट्यूनिक है गाइज, जिसपे ये मैजेंटा एंड बहुत ही लाइट ग्रीन, सी काइंड ऑफ लाइट ग्रीन है ये और उस पर पूरी फॉइल प्रिंट्स बनी हुई है कुर्ती पे एंड इसकी घेर आप देख सकते हो कि घेर बड़ी बहुत ही बढ़िया लग रही है, शॉर्ट पे घेर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड जो जैकेट स्टाइल पर्पल कलर का दिया हुआ है वो फ्रंट पे दिया हुआ है और बैक पे वो बिल्कुल प्लेन है। इस पर मैंने स्टाइल करा है ये गोल्डन ट्राउजर, जो मैं अपने बहुत सारे हॉल्स वीडियो में वेयर कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी आपको माय हॉल स्टोर पे मिल जाएगा। ज्वेलरी जो पहनी है उसका लिंक आपको मिल जाएगी और हील सीन से है इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी बट मिंत्रा पे आपको बहुत सारे सिमिलर ऐसे हील्स मिल जाएंगे। इसमें मेरा साइज मीडियम है, बहुत ही अच्छी फिटिंग है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, जो ग्रीन पोर्शन नीचे को दी हुई है वो ट्रांसपेरेंट है बट पर्पल से वो फ्रंट पे कवर अप हो जाता तो बिल्कुल भी यू नो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वेयर करने में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप किसी भी वेडिंग पार्टी में से पहन सकते हो, छोटे मोटे में पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगेगी। एक्चुअल में ये वीडियो में इतनी स्मार्ट नहीं लग रही है गाइस जितना ये रियल में स्मार्ट लग रही है ये कुर्ती, और इसका जो मटेरियल है वो भी पॉलिस्टर काइंड ऑफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मटेरियल है, लाइट वेट मटेरियल है, हाईली रिकमेंड करूँगी। एंड नेक्स्ट आइटम इज दिस वाइट एंड ग्रीन कलर की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कुर्ती है गाइज, राउंड नेक के साथ है, स्लीव्स पे थोड़ी सी गोल्डन प्रिंट्स बनी हुई है बट कपड़े का प्रिंट ही ग्रीन और वाइट पे है, कुछ अलग से ग्रीन प्रिंट नहीं है तो कहीं भी ये ख़राब नहीं होने वाला है और बहुत ही अच्छा मटेरियल है, लाइट वेट मटेरियल है, समर्स के लिए परफेक्ट है। एंड इसकी जो कट दी हुई है ना वो मतलब हाई से चेस्ट के पास से वो बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, इससे पहले वाली कुर्ती की कट
डिफरेंट थी, इसके डिफरेंट आप नोटिस कर सकते हो। बहुत ये कैजुअल वेयर के लिए बहुत परफेक्ट है। इसको मैंने स्टाइल करा है जीन्स के साथ, और ये ज़ारा का जीन्स है, लिंक नहीं दे पाऊँगी। जूती मिशो से है, मैंने इस पर एंकलेट डाली है, मतलब फुल बोहिमन लुक मैंने इस पर दिया है। ज्वेलरी जो है कुछ ईयरिंग ऑफलाइन है, बट ये जो नेक पीस है वो ऑनलाइन है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थोड़ी बहुत सी थ्रू है कुर्ती, बट आप मैनेज कर सकते हो। कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर आपको एक स्लिप वेयर करना पड़ेगा। साइज मीडियम है, फिटिंग बहुत बढ़िया है, लुक बहुत बढ़िया है। इस पे एक बोहिमन बैग आप ले लो, या कोई भी एम्ब्रॉयडर्ड बैग ले लो, या होबो बैग ले लो गाइज। ये कॉलेज के लिए क्या मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगने वाली है, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आई। माई नेक्स्ट आइटम इज दिस वेरी यूनिक एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूनिक। सो मैंड्रिन कॉलर के साथ है ये, एंड इसकी जो स्लीव्स है गाइज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पूरी कॉटन की मटेरियल है, प्रिंटेड है, और यहाँ पे स्लीव्स आप देख सकते हो कि शोल्डर के नीचे को आ रही है, जो थोड़ी लूज काइंड ऑफ फिटिंग दे रही है। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू रेड बीज, वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। पूरे आपको बटन्स फ्रंट पे मिल रहा है जो ओपन होती है। और बेस्ट पार्ट इस कुर्ती की आप देखो साइड से, लाइक पीछे से लॉन्ग आ रही है, डिफरेंट प्रिंट्स है बैक पे, और फ्रंट आपको शर्ट काइंड ऑफ डिज़ाइन मिल रहा है जो डिफरेंट प्रिंट है। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बैगी लाइक लूज काइंड ऑफ ट्यूनिक है ये। एंड इसमें मेरा साइज़ मीडियम है, बट आई सजेस्ट कि अगर आप फिटिंग पहनना चाहते हो तो स्मॉल साइज़ पे जाओ, अपने साइज़ से एक साइज़ छोटा ही लो तो ज़्यादा अच्छी फिटिंग आएगी। बट अगर आप थोड़ी बैगी पहनना चाहते हो, लूज़ पहनना आपको पसंद है, तो ये बहुत बढ़िया लगेगी। ये मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा स्मार्ट लगी कि मैं फ़िदा हो गई इस ट्यूनिक पे। फ्रंट आप ओपन करके इसे एज अ श्रग भी बना के वेयर कर सकते हो। तो पूरा कॉटन का प्रिंट है, कपड़े का है, कहीं भी निकलेगा नहीं, कोई फेड नहीं होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एंड इस पे ये ट्राउज़र मैंने स्टाइल करा है ब्लू कलर की, जो प्रिंट पे प्रिंट्स मैंने इस बार ही ट्राई करी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो स्ट्राइप्स यहाँ पे बनी हुई है ट्राउज़र पे, अगेन कॉटन मटेरियल है ट्राउज़र के भी, बहुत कंफर्टेबल है, साइज़ मीडियम है दोनों की। एंड थोड़ी या नीचे को आपको कट मिल रही है ट्राउज़र पे ऐसे, जो काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत कंफर्टेबल भी है। मुझे ये दोनों सेट बहुत ज़्यादा पसंद आया, बट आप इसे जीन्स पे भी स्टाइल कर सकते हो। समर्स के लिए ऐसे ट्राउज़र अच्छे हैं, बट आप जीन्स पे भी इक्वली इतना ही अच्छा लगेगा। आपको ये ट्यूनिक कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर। माई नेक्स्ट ट्यूनिक इज अगेन दिस ब्यूटिफुल पिच एंड रेड कलर की कॉम्बिनेशन। सो कॉलर नेकलाइन है यहाँ पे आपको मिल रही है, फ्रॉक वाली स्टाइल है, एक डोरी सामने को मिल रही है पूरी, यहाँ पे प्लीट्स बनी हुई है, और फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। उस पर रेड रेड प्रिंट बना हुआ है, जिसपे गोल्डन भी प्रिंट्स बना हुआ है। ये गोल्डन एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी आपको साथ में मिल रही है। पॉलिस्टर मटेरियल है, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी मटेरियल है। घेर इतनी आ रही है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि शॉर्ट काइंड ऑफ कुर्ती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। किसी भी बर्थडे पार्टी या फिर वेडिंग पार्टी में भी आप वेयर कर सकते हो, अगर आप इस तरीके की ट्यूनिक पहनना पसंद करते हो। इस पर भी मेरा साइज़ मीडियम है, सेम ट्राउज़र मैंने गोल्डन डाला है। आप इस पर प्लाजो भी डाल के वेयर कर सकते हो, और इस पर चाहो तो आप स्कर्ट भी डाल सकते हो। अगर आप इस स्कर्ट डालोगे तो ये पेपलम टॉप एंड स्कर्ट वाली लुक देगी। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया। ईयर रिंग्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हील शीन से है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। कमेंट में आप बताना कि आपको ये कैसी लगी, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद। माई नेक्स्ट टॉप इज़ दिस अगेन वेरी ब्यूटिफुल ब्लू में प्रिंटेड टॉप। सो अगेन इसका कॉटन मटेरियल है, बहुत कम्फर्टेबल, बहुत सॉफ्ट है। इसका नेकलाइन बहुत डिफरेंट है, बहुत स्मार्ट लग रही है। नेकलाइन पे जो आपको स्ट्राइप बनी हुई है डिज़ाइन प्रिंटेड, सेम आपको स्लीव्स में मिल रही है, पूरी प्लीट्स बनी हुई है, हल्की सी घेर है, नीचे को भी सेम डिज़ाइन आपको मिल रही है, जिसका कलर रेड पर्पल कलर है बीच पे। एंड इसके साथ मैंने ये ट्राउज़र पेयर करा, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइज। इसमें मेरा साइज़ मीडियम है, सारे लिंक आपको माय हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। शूज़ जो मैंने पहने हैं, लिंक आपको माय हॉल स्टोर पे मिल जाएगी। ईयर रिंग्स रैंडमली मैंने कोई भी लाइक उठा के डाली, आप ऐसे ईयर रिंग्स कुछ भी इस पर डाल सकते हो, छोटी बड़ी जैसे आप पहनना चाहो। बोहेमियन लुक भी आप इस पर दे सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। साइज़ मीडियम है, कॉटन मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है, सी थ्रू नहीं है। जीन्स पे भी आप स्टाइल कर सकते हो, इस पे प्लाजो पे भी आप स्टाइल कर सकते हो विद दुपट्टा के साथ भी, इतनी ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। कॉलेज के लिए परफेक्ट है, आउटिंग के लिए, यू नो डे टाइम या किसी भी छोटी मोटी गेट टुगेदर के लिए भी परफेक्ट है। हाईली रिकमेंड करूंगी, बहुत स्मार्ट कुर्ती है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप कमेंट में बताओ कि आपको ये कैसी लगी।
माई नेक्स्ट आइटम इज दिस ग्रीन रेड बीच कलर की प्रॉपर ये कुर्ती काइंड ऑफ लुक वाली ट्यूनिक है गाइस। इस पे मरून कलर की बंधनी प्रिंट्स बनी हुई है मरून एंड वाइट पे। सिल्क मटेरियल है, मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है। और हाई लो टॉप है ये, फ्रंट से थोड़ी सी लो है, बैक से देख सकते हैं हाई है। सो ये काफ़ी स्मार्ट लग रही है। और सेम ट्राउज़र मैंने इस पर स्टाइल करा है, साइज़ मीडियम है। कॉलेज ऑफिस के लिए भी परफेक्ट है ये, प्लाजो एंड दुपट्टा डाल के से कुर्ती भी बना सकते हैं। और इस पर मैंने ये सूज डाला है, लिंक आपको माई हॉल स्टोर पर मिल जाएगी। मुझे ये कुर्ती बहुत ज़्यादा स्टाइलिश या बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई, क्योंकि ये ट्यूनिक कम और कुर्ती ज़्यादा लग रही है। बट हाँ, ओवरऑल देखूँ प्राइस के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, तो डेली वेयर के लिए परफेक्ट है। डेली वेयर के हिसाब से रेकमेंड करूँगी, काफ़ी अच्छी लगी। एंड ये ट्राउज़र तो बहुत ही बढ़िया मटेरियल की है, बहुत ही लाइट, गर्मियों के लिए परफेक्ट है। कुर्ती बहुत ही लाइट वेट है, इसी वजह से अच्छी लग रही है। माई नेक्स्ट आइटम इज़ दिस ट्यूनिक, जो लॉन्ग ट्यूनिक है सांग्रिया ब्रांड से। ब्लू वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे आपको मैंडरिन कॉलर के साथ फ्रंट को कुछ बटन्स मिल रहे हैं। इसका बेस्ट ये ट्यूनिक की पार्ट है कि इसकी घेर आप देखो, यू शेप में घेर है। एंड द बेस्ट पार्ट की साइड पे आपको कट मिल रही है, कुछ इतनी कट मिल रही है जो बहुत ही स्मार्ट लग रही है कुर्ती पहनने के बाद इस कट के वजह से। इस पे मैंने सेम ज़ारा का जीन्स डाला है, सूज की लिंक माई हॉल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। कॉटन मटेरियल है, साइज़ मीडियम है, बहुत प्यारी ट्यूनिक है, हाईली रिकमेंड करूँगी। प्लाजो दुपट्टा डाल के सूट बना के भी वेयर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। अगर आपको लूज़ लग रही है तो आप बेल्ट भी इस पे डाल सकते हो, बेल्ट के साथ भी अच्छी लगेगी। बट मुझे लूज़ काफ़ी पसंद आ रही है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्मार्ट है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने इसे 3-4 बारी तो पहन ही लिया अभी तक, ये इतनी ज़्यादा अच्छी है गाइज। लेकिन ये मुझे मिली है 899 रुपीज़ में, बट करेंट इसका प्राइस थोड़ा हाई है, तो आप वेट कीजिए, इसकी प्राइस कम होती है। जब प्राइस कम हो जाए तभी इसे ग्रैब कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत कम प्राइस में मिली है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। पसंद आई तो प्लीज शेयर कर दो, थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।